hello students good morning jay Swaminarayan. all of you welcome to class 2 in Atme green school my name is prajakta and i'm your computer teacher now let's we will start lesson number 3 keyboard but before starting what today's topic first we will see what I have learned in this lesson in our last class so now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in our textbook we will start lesson number three keyboard but before starting our today's topic first we will see what we had learned in this lesson our last class. So lesson name is the keyboard. So I had learned about the some keys. I had learned the some keys. What is the keys? The button that present on our keyboard, this is called a keys. कीज़ मतलब क्या होता है द बटन दैट प्रेजेंट ऑन आवर की बोर्ड दिस इज़ कॉल अ कीज हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें हमें बटन्स दिखती है उस बटन को बोला जाता है कीज़ उसको क्या बोला जाता है कीज़ एंड हाउ मेनी कीज़ प्रेजेंट ऑन आवर कीबोर्ड वन हंड्रेड फोर कीज़ प्रेजेंट ऑन आवर कीबोर्ड कीबोर्ड में टोटल कितने कीज़ होती है वन हंड्रेड फोर कीज़ होती है सो विच विच कीज वी हैड लर्न कल्सर कंट्रोल की बैक स्पेस की फर्स्ट इज द कल्सर कंट्रोल की हाउ मेनी कल्सर कंट्रोल की फोर कल्सर कंट्रोल की प्रेजेंट ऑन आवर कीबोर्ड हाउ मेनी कल्सर कंट्रोल की फोर कल्सर कंट्रोल की प्रेजेंट ऑन आवर कीबोर्ड सो विच फोर अप डाउन लेफ्ट राइट विच फोर अप डाउन लेफ्ट एंड राइट When using, why are you using cursor control key? Cursor control key is used for move our cursor left, right, up and down. हमारा जो cursor control key होता है, उसका use हमारे screen पे जो cursor दिखता है, like that cursor, वो cursor अगर हमें left, right, up and down करना है, तो उसके लिए हम cursor control key का use करते हैं।

कल्सर कंट्रोल की इज नोन्ड एज ऑल्सो एरो की कल्सर कंट्रोल की को एरो की भी बोला जाता है क्या बोला जाता है एरो की भी बोला जाता है देन नेक्स्ट इज द बैक स्पेस की बैक स्पेस की इज यूज फॉर इरेज बैक स्पेस की इज यूज फॉर इरेज बट वेन वी आर यूजिंग द बैक स्पेस की सो लेटर विल बी लेटर विल बी इरेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जब हम बैकस्पेस की को दबाते हैं तब लेटर इरेज होते हैं कहाँ से लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। फॉर ये समझ लो दिस इज द कर्सर। क्या करना है ये कर्सर है ऐसे समझ लो कर्सर की लेफ्ट वाली साइड कौन सी है ये वाली साइड है जब हम बैक स्पेस की को दबाते हैं तब इरेज होता है तब इरेज होता है कर्सर के लेफ्ट वाले साइड से लेटर तो ये बैक स्पेस की है बैक स्पेस की को जब दबाएंगे तब इरेज होगा कौन से साइड से इस वाले साइड से मतलब लेफ्ट वाले साइड से कर्सर के देन नेक्स्ट इज द डिलीट की डिलीट की आल्सो सेम यूज फॉर अ इरेजिंग डिलीट की का यूज भी इरेज करने के लिए किया जाता है बट वेन यू आर व्हेन यू आर क्लिकिंग द डिलीट की लेटर लेटर इरेजिंग फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द कर्सर ये कर्सर है और कर्सर की राइट वाली साइड कौन सी है ये है सो so, जब हम डिलीट की को दबाएंगे क्या होंगे लेटर इरेज होंगे कहाँ से राइट right साइड से मीन्स दिस वाले साइड देन नेक्स्ट इज द की कैप्सलॉकी की इज यूज फॉर राइट अ लेटर ऑन अ कैपिटल अगर हमें लेटर कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए हम की का यूज करते हैं की इज फाउंड हियर इन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड इन द साइड ऑफ ए ए जो अल्फाबेट की है उसके साइड पे है कैप्सलॉक की कैप्सलॉक की कहाँ पे है ए लेटर है अल्फाबेट लेटर ए उसके साइड पे है कैप्सलॉक लॉक की नमलॉक की मीन्स नंबर की नंबर की हाउ मेनी नंबर्स की टेन नंबर्स की ओके नंबर की प्रेजेंट ऑन अवर कीबोर्ड इन द टू प्लेस वन इज द ऑटसाइड ऑफ द अल्फाबेट लेटर एंड वन इज़ द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड एक राइट साइड पे होते हैं और एक ऊपर होता है नमलॉक की इज़ यूज फॉर अ टाइप अ नंबर 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 की का यूज़ हम क्या करते हैं नंबर टाइप करने के लिए यहाँ पे क्या है नमलॉक की नमलॉक की यहाँ पे प्रेजेंट होती यहाँ पे है यहाँ पे नंबर की है यहाँ पे नंबर वाली नमलॉक की प्रेजेंट होती है उसका यूज़ अगर हमें इस साइड वाले नंबर्स को टाइप करना है इस वाले साइड के नंबर को हमें टाइप करना है यूज़ करना है तो यहाँ पे नम लॉक की होती है अगर वो नम लॉक की को हम दबा देंगे तो यहाँ पे वन लाइट ब्लिंक होता है अगर वो लाइट ब्लिंक है मतलब ही ये वाले जो नंबर्स है हम उसको यूज़ कर सकते हैं टाइप करने के लिए अगर ये लाइट बंद है मतलब हमारी नम लॉक की बंद है मतलब ये वाले नंबर्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं दिस इज़ कॉल्ड अ न्यूमरिक की पैड इसको क्या बोला जाता है न्यूमरिक की पैड बोला जाता है न्यूमरिक की पैड एंड नम लॉक की शो इज़ बिलो दिस इज न्यूमरिक की पैड और इसको क्या बोला जाता है नम लॉक की मीन्स नंबर लॉक की नम लॉक मतलब नंबर लॉक की मतलब यहाँ पे जो नंबर है उसको लॉक करने के लिए यूज की हुई की नम लॉक की देन नेक्स्ट इज द शिफ्ट की की इज स्पेशल की शिफ्ट की क्या है स्पेशल की है की का यूज़ अगर हमें अपर साइड वाले क्या करने हैं सिंबल को यूज़ करना है तो उसके लिए हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं जब हम शिफ्ट की को दबाएंगे तो साथ में हमें वो बटन भी दबानी पड़ती है जो अपर वाले लेटर यूज़ करना है तो ऐसे नहीं कि की दबाएंगे छोड़ देंगे और फिर बाद में हम नंबर दबाएंगे तो जब हम शिफ्ट की का यूज करेंगे तब शिफ्ट की विथ जो भी नंबर का नंबर पे सिंबल है वो यूज करना है तो हमें दोनों को साथ में ही दबाना पड़ता है यहाँ पे रेड कलर किया हुई जो कीज़ है वो क्या है यहाँ पे ये इस ये जो कीज़ है उस पर टू टू सिंबल है तो इसके ये जो कीज़ है उसके ऊपर जो सिंबल है वो क्या है अपर वाले सिंबल है अगर वो यूज़ करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ता है उसके लिए हमें शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ता है देन नेक्स्ट इज द टैप की टैप की इज़ यूज फॉर गिव स्पेस टैप की का यूज स्पेस देने के लिए लेकिन जब हम टैप की का यूज़ करते हैं तब जगह छूट जाती है मू मू द कर्सर टू अ राइट मेनी स्पेस कितने क्या होती है मेन स्पेस जब हम क्या करते हैं स्पेस बार की को दबाते हैं तब छोटी सी जगह छूटती है लेकिन अगर हमें दो वर्ड के बीच में बहुत सारी जगह छोड़नी है मैनी जगह छोड़नी है तो उसके लिए हम टैप की का यूज़ करते हैं देन एक्सलैप की एक्सलैब की इज़ यूज फॉर अ क्लोज अ मेन्यू और अ स्टार्ट बटन अभी कुछ काम करे है हम और गलती से हमारे स्टार्ट बटन वहाँ पर शुरू हो गए अभी हमें उसको बंद करना है तो उसके लिए हम एक्सलैब की का यूज़ करते हो और एक्सलैब की कहाँ पर होती है जो हमारा कीबोर्ड होता है अपर साइड पर कॉर्नर पर होती है एक्सलैब की और टैप की यहाँ पर होती है टैप की क्यू जो लेटर है उसके बाजू में और टैप की यहाँ पे ऊपर सॉरी एक्स लेब की यहाँ पे होती है और टैप की क्यू लेटर के साइड में सो दिस इज आवर लेसन दिज ऑलरेडी वी हैड डन देन थ्री की टर्म दिज आल्सो वी हैड डन देन वो हैड डन आल्सो एक्सरसाइज सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन दिज ऑल्सो वो हैड डन सो समट आई ऑलरेडी गिवन यू होमवर्क यहाँ पे क्या करना था आपको न्यूमेरिक की वन इज़ ब्लू एंड अदर इज येलो यहाँ पे न्यूमेरिक की है वन जगह पे आपको ब्लू कलर करना है और एक पे येलो करना है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया देन आफ्टर वी हैड डन द क्वेश्चन नंबर टू आंसर द वन टू वर्ड्स हमें आंसर देना था वन एंड टू वर्ड्स में सो फर्स्ट क्वेश्चन इट इज द स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर जो छोटी स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन दिखती है हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे उसको क्या बोला जाता है कर्सर दिस नोन एज द कर्सर दिस मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर कौन सी की होती है जिसका यूज हम कर्सर को मूव करने के लिए करते हैं दिस की इज नोन एज द एरो दिस की इज यूज टू मूव द कर्सर टू अ राइट बाय मेनी स्पेस अगर हमें टू वर्ड के बीच में मेनी स्पेस छोड़नी है ज़्यादा जगह छोड़नी तो उसके लिए हम कौन से की का यूज करते हैं टैप की फॉर दैट वी आर यूजिंग द टैप की देन दिस की यूज टू कैंसल अ मेनू और डायलॉग बॉक्स मेनू और डॉलॉग बॉक्स को अगर हमें कैंसल करना है तो उसके लिए हम कौन से की का यूज़ करते हैं एक्सलैप की का यूज़ करते हैं इट इज़ यूज टू इरेज एनी थिंग टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द करसर अगर हमें कर्सर के दिस इज द करसर फ्रॉम द करसर राइट साइड कर्सर के राइट right वाले साइड से अगर हमें कुछ इरेज करना है तो उसके लिए हम कौन से की यूज करते हैं डिलीट की सो दिस ऑलरेडी वो है डन देन क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ पे कीस के नाम दिए यहाँ पे कलर दिए तो यहाँ पर हमें ये पुट करना है तो टैप की को येलो कलर करना है टैप की यहाँ पे है कैप्सलॉक की कैप्सलॉक की टैप की के नीचे है वहाँ पे ब्लू कलर करना है देन लॉक की लॉक की को रेड कलर करना है देन एक्सलैप की एक्सलैप की को ग्रीन कलर करना है शिफ्ट की को पर्पल कलर करना है तो शिफ्ट की टू जगह पे है एक यहाँ पे है और यहाँ पे तो दोनों जगह पे आपको पर्पल कलर करना है वन इज वन इज द अप साइड ऑफ द शिप की एंड वन इज अपसाइड ऑफ द कैप्सलॉक की कैप्सलॉक की नीचे है एंड वन इज द डाउन साइड ऑफ द अप साइड ऑफ द इंटर की एंटर की के नीचे है देन नेक्स्ट इज द कल्सर कंट्रोल की दिज आर दल्सर कंट्रोल की उसको आपको ब्राउन कलर करना है कौन सा कलर करना है ब्राउन कलर देन क्वेश्चन नंबर फोर दल्सो है कलर द कीज़ यूजिंग द टाइप एट द रेट देन उसके बाद डॉलर देन उसके बाद हैश एंड स्टार एंड एंड ये जो कीज है उसको ब्लू कलर करना है ठीक है तो अगर ये वाले सिंबल अगर हमें यूज़ करना है तो उसके लिए हमें शिफ्ट की का यूज़ करना पड़ता है इसलिए शिफ्ट की को भी आपको ब्लू कलर करना है देन उसके बाद एट दी रेट वाला साइन जो टू नंबर पे है देन उसके बाद डॉलर का साइन जो फोर नंबर पे है देन उसके बाद स्टार का साइन स्टार का साइन जो एट नंबर पे है देन उसके बाद एंड का साइन जो एट नंबर पे है और एक हैश का साइन है हैश का साइन यहाँ पे थ्री नंबर्स पे है तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है ब्लू कलर करना है यहाँ पे आपको ब्लू कलर करना है देन बी नंबर कलर द कीज यूज टू टाइप टाइगर इन द दलो यहाँ पे आपको टाइगर के स्पेलिंग को एलो कलर करना है देन थ्री नंबर सी नंबर कलर द कीज यूजिंग डिलीट लेटर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर इन द रेड रेड साइड अगर हमें कर्सर को इरेज करना है लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर तो उसके लिए हम कौन से की का यूज करते हैं बैक स्पेस की सो बैक स्पेस की को हमें रेड कलर करना है कलर द की इज यूजिंग द डिलीट द लेटर ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर राइट साइड ऑफ द कर्सर अगर हमें राइट साइड कर्सर से डिलीट करना है तो उसके लिए हम डिलीट की का यूज़ करते हैं तो डिलीट की को ग्रीन कलर करना है सो दिस ऑलरेडी वो हैड डन

इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर्स ऑफ की किसके ऊपर नंबर्स ऑफ कीज होती है कीबोर्ड सो फर्स्ट आंसर इज कीबोर्ड की बोर्ड स्पेलिंग के ए वाई बी ओ ए आर डी कीबोर्ड अ कीबोर्ड इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ कीज की बोर्ड एक डिवाइस है उसके ऊपर क्या होते हैं नंबर्स ऑफ कीज होती है सो फर्स्ट आंसर इज कीबोर्ड नाउ बी नंबर द filling द ब्लैंक्स सॉरी द cursor फीलिंग द ब्लैंक्स keys आर used टू मूव द cursor ऑन द monitor अगर कर्सर को हमें मूव करना है मॉनिटर पे तो उसके लिए हम कौन से की का यूज़ करते हैं उसके लिए हम कर्सर कंट्रोल की का यूज करते हैं द कर्सर कंट्रोल की यहाँ पे क्या आता है स्पेलिंग कंट्रोल कंट्रोल स्पेलिंग सी ओ एन टी आर ओ एल कंट्रोल द कर्सर कंट्रोल कीज आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर कर्सर कंट्रोल की का यूज हम क्या करने के लिए करते हैं मूव करने के लिए कर्सर को जो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखता है तो यहाँ पे क्या आता है सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में कंट्रोल द कर्सर कंट्रोल कीज आर यूज टू मूव द कर्सर ऑन द मॉनिटर देन सी नंबर द फिलिंग द ब्लैंक्स कीज इरेज एनी थिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर अगर हमें कर्सर के लेफ्ट वाले साइड से ये कर्सर है कर्सर के लेफ्ट वाले साइड से इरेज करना है तो उसके लिए हम कौन से की यूज़ करते हैं विच की वे आर यूजिंग बैक स्पेस की उसके लिए हम कौनसी की यूज़ करते हैं बैक स्पेस की तो यहाँ पर क्या आएगा स्पेलिंग बैक स्पेस की बी ए सी के एस पी ए सी ई बैक स्पेस की उसके लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं बैक स्पेस की जब हम बैक स्पेस की को दबाते हैं तब लेटर इरेज होते हैं कौन से साइड से लेफ्ट वाले साइड से द बैक स्पेस कीज इरेज एनी थिंग टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर फ्रॉम विच साइड लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर सो दिस इज सी नंबर नाउ डी नंबर वेन द कैप्सॉग की इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स ऑल द लेटर टाइप विल अपीयर इन कैपिटल ऑन द मोनिटर कौन से की को हम कैप्सलॉग की को क्या करते हैं तब सारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं वन द कैप्सॉग की इज ऑन जब कैप्सलॉक की क्या होती है ऑन होती है क्या होती है ऑन होती है तब जितने भी लेटर्स है वो किस में आ जाते हैं कैपिटल में आते हैं वेन द लॉक की इज ऑन जब कैप क्या होती है की ऑन होती है ऑल द लेटर टाइप विल अपीयर्स इन कैपिटल ऑन द मोनिटर तब कौन से लेटर होते हैं कैपिटल लेटर हमें दिखते हैं मोनिटर पे देन ई नंबर इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप द अपर सिम्बॉल ऑफ द कीज फर्स्ट प्रेज द फिलिंग द ब्लैंक शिफ्ट कीज अगर हमें क्या करना है अपर साइड वाले सिम्बॉल यूज़ करना है इफ़ यू वॉन्ट टू टाइप द अपर सिम्बॉल ऑफ अ कीज़ अगर हमें अपर साइड वाले सिम्बॉल को यूज़ करना है तो फर्स्ट प्रेज द फिलिंग द ब्लैंक्स की तो हमें कौन सी की यूज़ करनी पड़ती है शिफ्ट की तो यहाँ पर क्या आएगा शिफ्ट एस एच आई एफ टी शिफ्ट अगर हमें अपर साइड वाले सिम्बॉल को यूज करना है तो उसके लिए हमें कौन सी की यूज करनी पड़ती है शिफ्ट की का यूज करके तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा शिफ्ट सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फाइव फिलिंग द प्लैस नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स राइट टी फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड राइट एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट नाउ फर्स्ट नंबर द न्यूमेरिक की पैड इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबर्ड न्यूमरिक की पैड जो होती है वो हमारे कीबोर्ड के लेफ्ट वाले साइड पे प्रेजेंट होती है ऐसा लिखा है तो ये हमारा कीबोर्ड है और न्यूमेरिक कीपैड की पैड कहाँ पे है यहाँ पे है सेंटेंस में क्या लिखा है कि लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये कौन सी साइड है राइट right साइड है ये कौन सी साइड है राइट right साइड है यहाँ पे वर्ड क्या है लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है सो दैट वाज दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स ये स्टेटमेंट क्यों है फॉल्स है क्यों क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है लेफ्ट साइड न्यूमेरिक की पैड इज द न्यूमेरिक की पैड इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड वो प्रेजेंट होती है लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड कीबोर्ड के लेफ्ट साइड पे होते हैं ऐसे लिखा है लेकिन वो कौन से साइड पे आता है राइट right साइड पे अगर यहाँ पे लेफ्ट के जगह पे राइट right होता तो ये स्टेटमेंट सही होता तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे क्या लिखा है लेफ्ट लिखा है देयर आर टू शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड हमारे जो कीबोर्ड होता है उस पर टू शिफ्ट की होती है यस हमारे कीबोर्ड पे टू प्लेस पे शिफ्ट की होती है वन यहाँ पे एंटर की के नीचे और नेक्स्ट इज द कैप्सुलॉ की के नीचे तो हमारे जो कीबोर्ड होता है उसमें टू प्लेस पे शिफ्ट की प्रेजेंट होती है सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सो आर राइटिंग अपर रो ऑफ द कीबोर्ड वेन नमलॉक की इज ऑन यू कैन यूज नंबर्स इन द अपर रो ऑफ द कीबोर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है जब ये नमलॉक की को हम ऑन करते हैं तब हम ये जो अपर साइड पे जो अपर रो पे नंबर से उसको हम यूज़ कर सकते हैं तो ये जो कीज़ होती हैं नंबर्स की ये ऑलरेडी क्या होती है इसको शुरू बंद करने के लिए कोई बटन नहीं होती ये ऑलरेडी क्या होती है शुरू ही रहती है लेकिन ये इस जो राइट right साइड पे नम लॉक की होती है अगर उसको यूज़ करना है तो उसके लिए हमें नम लॉक की का यूज़ करना पड़ता है लेकिन स्टेटमेंट में क्या लिखा है जब हम नम लॉक की को दबाते हैं तब ये वाली बटन्स को हम यूज़ कर सकते तब हम ये वाली बटन्स को यूज़ करते हैं सो दैट्स वैट द स्टेटमेंट इज द फॉल्स दैट स्टेटमेंट इज द फॉल्स मीन्स एप वेन नमलॉक की इज ऑन जब नमलॉक की को हम ऑन करते हैं यू कैन यूज नंबर्स इन अपर रो ऑफ द कीबोर्ड जो कीबोर्ड के अपर साइड पे कीज है उसको यूज कर सकते हैं ऐसे लिखा है तो ये स्टेटमेंट कैसा है गलत है तो डैट्स आई वर राइटिंग ऐप द टैप एंड बैक स्पेस की आर यूज टू इरेज टेक्स ऑन द मोनिटर टैप की और बैक स्पेस की ये दोनों की का यूज़ हम टेक्स्ट को इरेज करने के लिए करते हैं ऐसे लिखा है तो ये स्टेटमेंट गलत है अगर यहाँ पे टैप की के जगह पे डिलीट की होता अदरवाइज टैप की नहीं होता सिर्फ बैक स्पेस की होता तो यहाँ पे यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू होता लेकिन यहाँ पे क्या है टैप किया है सो टैप की इज टैप की वी आर यूजिंग फॉर इरेजिंग नो टैप की का यूज़ हम अगर हमें मोर स्पेस देनी है टू वर्ड के बीच में तो उसके लिए हम टैप की का यूज़ करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है द टैप एंड बैक स्पेस कीज आर यूज टू इरेज टेक्स ऑन द मोनिटर ये दोनों की का यूज़ हम टेक्स्ट को इरेज करने के लिए करते हैं इसे लिखा है सो दैट्स दी स्टेटमेंट इज फॉल्स तो ये स्टेटमेंट कैसा है फॉल्स है गलत है क्योंकि सिर्फ बैक स्पेस की का ही यूज हम डिलीट करने के लिए करते हैं इरेज करने के लिए करते हैं बैक स्पेस की और डिलीट की की का यूज हम इरेज करने के लिए नहीं करते सो दैट्स दी स्टेटमेंट इज फॉल्स इफ यू वॉन्ट टू ट्राई द एंटायर सेंटेंस इन अ कैपिटल यू वॉन्ट इफ यू वॉन्ट टू टाइप द एंटायर सेंटेंस इन कैपिटल प्रेज द कैप्सलॉग की अगर हमें आ, क्या करना है सेंटेंस लिखना है किसमें कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए हमें कैप्सलॉग की को ऑन करना पड़ता है यस yes, उसके लिए हमें कैप्सलॉक की को ऑन करना पड़ता है सो दैट्स वाइट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट्स वाई दैट स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है इफ यू वॉन्ट टू टाइप द एंटायर स्टेटमेंट अब जो हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसको हमें कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए हमें कैप्सलॉग की को ऑन करना पड़ता है यस yes. प्रेस करना पड़ता है कैप्सलॉग की को यस सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सो यहाँ पे हमने लिख दिया है टी सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर सिक्स ट्रू एंड फॉल्स नाउ लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर सेवन चूज द करेक्ट ऑप्शन सो नाउ लुक एट हियर द कीज यूज टू मूव द कर्सर बाय मेनी स्पेस द कीज यूज टू मूव द कर्सर बाय मेनी स्पेस अगर हमें मेनी स्पेस देनी है तो उसके लिए हम कौन से की का यूज करते हैं टैप की एक्सलैप की स्पेस बार की बैक स्पेस की उसके लिए हम यूज़ करते हैं टैब की अगर आप बोलेंगे कि स्पेस बार की का भी यूज़ हम स्पेस देने के लिए जगह छोड़ने के लिए करते हैं लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आया है मेनी स्पेस अगर हमें मेनी स्पेस देनी है टू वर्ड के बीच में तो उसके लिए हम टैब की का यूज़ करते हैं सो फर्स्ट आंसर इज द टैब द कीज यूज़ टू मूव The keys used to move the cursor by many space. So answer is tab key. So answer is tab key. Then B number. The keys used to display the upper symbol when pressed with a keys having the two characters. The keys used to display the upper symbol when pressed the keys having the two characters. अगर हमें क्या करना है अपर वाले सिंबल को प्रेस करना है तो उसके लिए हम कौन से की का यूज करें यूज़ करते हैं कैप्स लॉक की लॉक की शेप की नॉन ऑफ दिस अगर हमें अपर वाले सिंबल यूज़ करना है तो उसके लिए हम कौन से की का यूज़ करते हैं शेप की उसके लिए हम कौन से की का यूज़ करते हैं शेप की शिफ्ट का स्पेनिंग एस एच आई एफ टी शिफ्ट की अगर हमें अपर वाले सिंबॉल यूज करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं शिफ्ट की का यूज करते हैं देन सी नंबर द कीज प्रेस टू द न्यूमरिक की पैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड द की प्रेस टू यूज द न्यूमरिक की पैड ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड ये जो की है ठीक है कहाँ पे प्रेजेंट होती है राइट साइड ऑफ द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड और उसका यूज़ हमें ये जो न्यूमेरिक की पैड है उसको ऑन करने के लिए उसको ऑन करने के लिए किया जाता है सो वो कौन सी कीज होती है कैश लॉक की लॉक की एक्सलैप की डिलीट की वो होती है लॉक की नम लॉक की का यूज़ हम नम लॉक की का यूज़ अगर हमें ये जो यहाँ पे नंबर्स की है उसको ऑन करना है तो उसके लिए किया जाता है वो कहाँ पे होती है हमारे कीबोर्ड के राइट वाले साइड में द कीज प्रेस टू यूज द न्यूमेरिक की पैड ये ये जो की है न्यूमेरिक की पैड को ऑन करने के लिए यूज करने के लिए किए जाते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द की बोर्ड और वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड देन डी नंबर वेन दिस की इज़ ऑन दल्फ़ा अल्फ़ाबेटिक कैरे कैरेक्टर्स आर डिस्प्ले इन कैपिटल जब हम ये कीस को ऑन करते हैं तब सारे जो लेटर्स होते हैं वो कैपिटल में हो जाते हैं किस में होती है कैपिटल में तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं नमलॉक की कैप्स लॉक की शिफ्ट की नॉन ऑफ दिस उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैप्स लॉक की अगर हमें सारे अल्फाबेटिकल जो लेटर्स है उसको अगर हमें कैपिटल में लिखना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कैप्स लॉक की को यूज़ करते हैं सो दिस इज क्वेश्चन नंबर डी नाउ क्वेश्चन नंबर ई द नंबर्स ऑफ कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड आर हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने कर्सर कंट्रोल कीज होते हैं थ्री टू फोर एंड वन कितने होते हैं कर्सर कंट्रोल की सॉरी फोर होते हैं कर्सर कंट्रोल की कितने होते हैं फोर होते हैं राइट लेफ्ट अप एंड डाउन राइट अप अप राइट राइट लेफ्ट अप एंड डाउन फोर कर्सर कंट्रोल की हमारे कीबोर्ड में प्रेजेंट होते हैं सो दिस इज द चूज़ द करेक्ट आंसर नाउ लुक एट हेयर आंसर द फॉलोविंग ये जो आंसर द फॉलोविंग के आंसर है ये आपको नोटबुक में लिखना है ठीक है सो नाउ लुक एट हेयर आंसर द फॉलोविंग फर्स्ट नंबर वॉट इज अ करसर करसर मतलब क्या होता है सो नाव लुक एट हीयर करसर मतलब क्या होता है अ करसर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन अ करसर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन अ कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर दैट शो पोजीशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी एंटर कर्सर एक क्या होती है स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन होती है जो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे दिखती है और वो शो करता है कि यहाँ पे नेक्स्ट लेटर यहाँ पे हमें क्या करना है नेक्स्ट लेटर यहाँ पे टाइप होगा अ कर्सर इज़ अ करसर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन अ करसर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मोनिटर दैट शो दोजिशन ऑफ द नेक्स्ट लेटर और नंबर टू बी एंटर वो हमें शो करता है कि हमारा नेक्स्ट लेटर और नंबर हमें यहाँ पे क्या करना है टाइप करना है वो हमें कर्सर शो करता है देन क्वेश्चन नंबर बी वाट इज द यूजेस ऑफ कर्सर कंट्रोल की जो कल्सर कंट्रोल की होता है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है द कर्सर कंट्रोल द करसर द करसर कंट्रोल कीज आर यूज फॉर मूविंग द करसर ऑन द मोनिटर कर्सर कंट्रोल की का यूज हम क्या करने के लिए करते हैं मूविंग द करसर जो हमारे स्क्रीन पे क्या दिखता है कर्सर दिखता है अगर उसको मूव करना है तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज़ करते हैं कर्सर कंट्रोल की वॉट इज़ द यूजेस ऑफ कर्सर कंट्रोल की द कर्सर कंट्रोल कीज आर यूज फॉर मूविंग द कर्सर ऑन द मोनिटर अगर हमारे कर्सर को हमें मूव करना है तो उसके लिए हम कर्सर कंट्रोल की का यूज़ करते हैं सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर टू नंबर क्वेश्चन हाउ मेनी हाउ मेनी कर्सर कंट्रोल कीज आर देयर ऑन द की बोर्ड हाउ की हाउ मेनी कर्सर कंट्रोल की देयर आर फोर कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द मॉनिटर कितने कर्सर कंट्रोल कीज होती है फोर देयर आर फोर कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द मोन ऑन दर आर फोर कर्सर कर्सर कंट्रोल कर्सर सॉरी कर्सर कंट्रोल ऑन द मॉनिटर यहां पे देखो मिस्टेक है यहाँ पे मॉनिटर नहीं आता है कीबोर्ड आता है देयर आर फोर कर्सर कंट्रोल कीज ऑन द कीबोर्ड कितने होती है फोर कर्सर कंट्रोल कीज होती है हमारे कहाँ पे कीबोर्ड पे देन डी नंबर क्वेश्चन वी वीच कीज इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट बाय मेन स्पी कौन सी की का यूज अगर हमें मेन स्पेस देने हैं तो उसके लिए किया जाता है टैप की उसके लिए कौन सी की यूज़ की जाती है टैप की द टैप की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द राइट बाय अ मेन स्पेस उसके लिए कौन सी की का यूज किया जाता है टैप की टैप की इज यूज फॉर गिव मेन स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स देन ई नंबर हाउ मेनी न्यूमेरिक कीज आर देयर ऑन द न्यूमेरिक कीप हाओ मेनी न्यूमेरिक की टेन हाउ मेनी न्यूमेरिक की कितने नंबर्स वाली की होगी टेन होगी देयर आर द टेन न्यूमेरिकीज ऑन द न्यूमेरिक की पैड न्यूमेरिक की पैड में कितने न्यू कितने की होती है टेन न्यूमेरिक की होती है कितने कीज होती है टेन नंबर्स की होती है देयर आर टेन न्यूमेरिक कीज ऑन द न्यूमेरिक की पैड न्यूमेरिक कीपैड में कितने नंबर्स की होती है टेन नंबर्स की होती है सो दीज आर द दवर क्वेश्चन आंसर सो दिस वी हैड डन सो आवर लेसन इज फिनिश सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे